The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So how to use antibiotics, right? By antibiotics ka सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो उसका जो ना तो उसका रेजिस्टेंस होगा, ना ही आपको उसके साइड इफेक्ट्स होंगे और ना ही उसके वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होगी. सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग प्रॉब्लम है भाई. उसी के वजह से दवाइयों के असर, दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं और महंगी महंगी दवाइयाँ आ रही हैं, बैक्टीरियाज बहुत खतरनाक हो रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, इसके लिए सही तरीके से एंटीबायोटिक्स यूज होना चाहिए. ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी है कि गलत तरीके से एंटीबायोटिक ना खाएं, केमिस्ट से लेके ना खाएं और बहुत सारी चीज़ें मिस यूज ना करें एंटीबायोटिक्स का. और ऑब्वियसली आपको नहीं पता कौन सी चीज़ एंटीबायोटिक है कौन सी नहीं है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी. आपको एक बार गूगल तो कर ही सकते हो, इज दिस एन एंटीबायोटिक, वेरी सिंपल, राइट? इज दिस एन एंटीबायोटिक और नॉट, इतना सा क्वेश्चन आपने पूछना है और कुछ नहीं. सो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियाज के ऊपर इफेक्ट करते हैं और अगर एंटीबायोटिक्स असर करने बंद कर दें तो वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है. सो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की वजह से आपको फ्यूचर में, आपके बच्चों को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है और वाइजली इसीलिए उसको यूज करना जरूरी. सो हाउ एंटीबायोटिक वर्क्स, देर आर टू वेज, हमने ऑलरेडी बताया. एंटीबायोटिक या तो बैक्टीरिया को मार देगा या उसको रोक देगा. रोक देगा मीन्स उसका रिप्रोडक्शन रोक देगा, तो आपकी खुद की इम्यूनिटी उसको मार देगी. सो एंटीबायोटिक इस तरह काम करते हैं. और एंटीबायोटिक कोल्ड फ्लू वाले वायरसेस पे बिल्कुल भी काम नहीं करते. सो एंटीबायोटिक उस पे काम नहीं करते और इसीलिए आपके डॉक्टर को भी सही टाइम पर ही एंटीबायोटिक देना चाहिए. लेकिन आपको क्या, आपकी जिम्मेदारी है कैसे आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कम कर सकते हैं, एंटीबायोटिक को सही इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर वन, हाउ टू यूज एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली, हियर आर सम वेज. सबसे पहले, बिफोर गेटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने से पहले जरूर ये सवाल पूछें, उनको याद दिलाएं कि सर क्या एंटीबायोटिक्स जरूरी हैं. ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्या एंटीबायोटिक्स अभी इस वक्त जरूरी है मेरी कंडीशन के लिए, राइट? नंबर दो, पूछो कि सर क्या कोई टेस्ट करना है जिससे कि पता चले कि ये सही एंटीबायोटिक है या नहीं. पूछो कि सर एंटीबायोटिक जो मैं ले रहा हूं उसके क्या साइड, या लेना है उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और उसके कैसे लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और क्या उसके और कोई तरीके हैं एंटीबायोटिक के बगैर जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम को रिलीफ कर सकता हूं, क्या एक दो दिन ट्राई कर सकता हूं उन मेथड्स के साथ बिना एंटीबायोटिक के देखने में, या अभी टाइम आ चुका है एंटीबायोटिक लेने का, ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा. और सिम्टम्स पूछने होंगे कि क्या वो सिम्टम होंगे कि इन्फेक्शन खराब या बीमारी बढ़ रही है, उसका क्या सिम्टम होगा, मैं कैसे पता करूंगा. और जरूर ये मत पूछना कि ये वायरल इन्फेक्शन, अगर आपको पता ही है तो वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक मांगने मत बैठ जाना. कई लोग होते हैं, सर एंटीबायोटिक दे दो, सर एंटीबायोटिक दे दो, मत. वायरल है, वायरल के लिए एंटीबायोटिक मत लो. डोंट प्रेशराइज योर डॉक्टर टू गिव यू एंटीबायोटिक्स प्लीज, राइट? और जो दे रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वही एंटीबायोटिक आपको लेना है, आपको जो एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, और डोज स्किप नहीं करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो दिया है वही लेना है. जितना डोज में बोला, दिन में दो बार तो दो बार, ऐसा नहीं सर मैं तो एक ही बार खा रहा हूं, मेरे से खाया नहीं जा रहा. नो, राइट? जो दिया है वो दो बार दिया, दो बार लेना है, डोज स्किप नहीं करना है. अगर आप डोज एक्सीडेंट से स्किप कर दिया कि भूल गए, तो डॉक्टर को फोन करो या उससे बात करो कि सर मैं भूल गया, मैं क्या करूं, राइट? और खुद से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेना. मेडिकल स्टोर से जाके कतई भी एंटीबायोटिक मत लेना, नेवर नेवर. और सेव करके नहीं रखना एंटीबायोटिक को, भाई मेरे चार गोली बच गई मैं रख लेता हूँ, नहीं नहीं, उसको जाके डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो. बिकॉज कोई और उसको अगर दो गोली खा लेगा तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स. और दूसरे को दी गई एंटीबायोटिक्स कतई भी मत लेना. डू नॉट डू दैट काइंड ऑफ अ मिस्टेक, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं एंटीबायोटिक को सही तरीके से यूज करने के लिए और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने के लिए. और भी कुछ स्टेप्स हैं. नंबर वन इज वॉश योर हैंड्स. यस, प्रॉपरली अगर आप सही तरीके से हाथ धोने रहेंगे रेगुलरली, खासकर जब आप बीमार हैं, जब आप दवा ले रहे हैं, तो आप बीमारियां फैलने से रोकेंगे. सो दैट इज, और साथ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने से भी रोकेंगे. सो रेगुलर वॉश, अच्छे से हाथ वॉश करने के लिए 20 सेकेंड तक
एटलीस्ट 20 सेकेंड तक साबुन पानी से उसको अच्छे से धोएं, और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, टॉयलेट जाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद प्रॉपरली हाथ धोएं, और किसी भी सिक पर्सन, बीमार इंसान से मिलने से पहले, मिलने के बाद, और नाक खांसी इसके बाद अपने हाथ धोने चाहिए पानी से। और अगर आप कोई जानवर को हाथ लगा रहे हैं, पेट को हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद भी आपने हाथ धोने चाहिए। गार्बेज को हाथ लगा रहे हैं, उसके बाद भी आपको हाथ धोने चाहिए। और अगर फूड सही से प्रिपेयर करेंगे, फूड्स को, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को सही तरीके से वॉश करें, किचन काउंटर को क्लीन करके रखें, सरफेस को क्लीन करें, और अगर नॉन वेज खाते हैं तो उसको सही तरीके से स्टोर करें, सही तरीके से हैंडल करें, सही तरीके से वॉश करें, और बच्चों को, बड़ों को जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं उन चीज़ों की वैक्सीन्स लगाएं, फ्लू की वैक्सीन्स लगाएं, बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को करना, ताकि आप अपनी बीमारियां होने से रोकें और दूसरी तरीके से बीमारियां एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल कर सकें। तो इसी तरीके से आप बीमारियां होने से रोकेंगे, बैक्टीरियाज को और ज़्यादा एडवांस होने से, और ज़्यादा सुपर बग बनने से रोकेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रोक पाएंगे, सही तरीके से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, आगे चल के फिर जाके आपके मेडिकल कॉस्ट कब डाउन हो सकते हैं। सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू नो। थैंक यू सो मच, डू शेयर द वीडियोज़।